Hum... Mm. चलिए भाई साहिब सो अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू कैसी है जनता जनार्दन आ जाइए सभी के सभी लोगन फटाफट से कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीबडी सो जल्दी से जल्दी से जल्दी से आ जाइए गा गुड मॉर्निंग गाइस गुड मॉर्निंग गाइस गुड मॉर्निंग गाइज गुड मॉर्निंग गाइज वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग मेरे भाई गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू हम्म चलिए भाई साहब आ जाएंगे सभी के सभी लोग चल रहा है आप सभी लोगों का जल्दी से बता देंगे इज दिस डेमो क्लास यस बेटा दिस इज द डेमो क्लास इजा दिस इज द डेमो क्लास राधे 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 अंजलि शर्मा का पूछना है कि क्या कोई गया से है हैं अंजलि का करना चाहते हो बेटा अगर कोई बंदा गया से है तो का का होगा का इससे है का करोगे आप बताओ जरा एक बार सवाल हम डेटिंग डेटिंग खेलेंगे सर भाड़ में गई पढ़ाई वढ़ाई हमको कुछ पढ़ाई वढ़ाई करने का नहीं है हमको तो बस का करना है हमको डेटिंग डेटिंग खेलने का ऐसा बेटा चलिए बोथ मॉडल में एग्जाम देकर अगर एक में पास हो जाते हैं तो वो मॉडल पास माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा बेटा क्यों नहीं माना जाएगा

इतने जल्दी बताओ भाई साहब सर सी एस कार्ड इंडिया वाली ऐप में सब्जेक्ट एक्टिवेट कर दिया लेकिन लॉग इन का ऑप्शन नहीं आ रहा है बेटा शेखर खत्री वेट करेंगे आपको सारा का सारा एक्टिवेशन वगैरह जो होगा ना वो प्रॉपरली करवा के दे दिया जाएगा आज ही के दिन करवा दिया जाएगा जहां तक मेरा ख्याल है या फिर कल परसों तक हो जाएगा यानी कि आपकी क्लासेस फर्स्ट ऑफ तो डिसंबर से जो आपकी ऐप आप के ऊपर स्टार्ट होने वाली होंगी उसके पहले पहले आपका पूरा काम जो है वो करवा के दे दिया जाएगा यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल ठीक है चलिए भाई सब ओके सो इसके पहले कि हम स्टार्ट करें मैं वापस आप लोगों को यहां पे बता दूं कि आज की जो डेट है वो है मेरे भाई ट्वेंटी सेवन ऑफ नवंबर 2022 ठीक है आप सभी लोगों का इतना सारा प्यार देखकर सीएस कार्ड इंडिया ने यहां पे डिसाइड किया कि जो आपका स्कॉलरशिप का ऑफर है इसको और यहां पे एक्सटेंड कर दिया जा रहा है कहां तक के लिए बोले थर्टीथ ऑफ नवंबर दो तक के लिए तीस नवंबर दो तक आपको यहाँ पे जो पीरियड है वो आपका फिर से यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया जा रहा है गॉट द पॉइंट तो बहुत बहुत बधाई हो और फटाफट से जो स्कॉलरशिप ऑफर का आपका benefit है, कि परचेज किया तो आपको पंद्रह सौ रुपए अगर आपने सौ से लेकर डेढ़ सौ मार्क इन सी एस एडबूटी को स्कोर किया होगा तो द पॉइंट तो फटाफट से फटाफट से फटाफट से इस बेनिफिट इस ऑफर का बेनिफिट जो है वो आप ले लीजिएगा चलिए भाई साहब इसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं यहां पर आगे और जाते हैं हमारे वेबसाइट पर वापिस से मैं आप लोगों को बता देता तो हूं मेरे भाई कल का अगर किसी ने डेमो क्लास अटेंड नहीं किया होगा तो मैं फिर से आपको बता देता हूं कि आपको आईसीएसआई के द्वारा दिया गया जो स्टडी मटेरियल है ना ये मटेरियल आपको मिल जाता है कहां पर आईसीएसआई के ऊपर ठीक है हालांकि इसका जो हार्ड कॉपी है वो आपके घर पे भी आपको मिलने वाला होगा लेकिन उसके बावजूद ध्यान दीजिएगा कि सॉफ्ट कॉपी जो है वो आपके हार्ड कॉपी आने के पहले ही आप यहां पर अगर देखना चाहते हैं सिलेबस को अगर आप गो थ्रू करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं क्या करना होगा इसके लिए हमें आईसीएसआई पे जाने के बाद में जो ये टैब आपको यहां पे दिखाई दे रहे ना इसमें से हमें जाना होगा कौन से टैब पे एकेडमिक पोर्टल वाले टैब पे जैसे हम यहां पे जाएंगे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद में आपको यहां पे आगे दिखाई देगा न्यू सिलेबस है ओल्ड सिलेबस है ई e जर्नल है वीडियो लेक्चर है फिर उसके बाद में इंपेलमेंट ऑफ द रिसोर्स पर्सन वगैरह 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 ये सारी चीजें कोई काम की नहीं है सिंपल तरीके से क्या करेंगे आप जाएंगे न्यू सिलेबस वाले पे जैसे आपने न्यू सिलेबस वाले पे क्लिक किया तो आपको यहां पे दिखाई देगा क्या स्टडी मटेरियल आप सीधा स्टडी मटेरियल के ऊपर क्या कर देंगे क्लिक कर देंगे फिर आपको दिखाई देगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कौन से वाला है सही एग्जीक्यूटिव वाला प्रोग्राम है तो आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के ऊपर यहां पे क्या करेंगे क्लिक कर देंगे जैसे ही आपने उसके ऊपर क्लिक किया तो आपको जो सबसे पहला पेज यहां पे दिखाई दिखा देगा सबसे पहला जो टैब आपको यहाँ पे दिखाई देगा वो रहेगा कौन से वाला जे आई जी एल वाला जुर स्टूडेंट्स इंटरप्रिटेशन एंड जनरल वाला लॉ ठीक है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहां पे दिखाई देगा एक छोटा सा मॉड्यूल सर छोटा सा

अब यहां पे स्टडी करना स्टार्ट करते हैं बहुत ध्यान से देखिएगा सब्जेक्ट का नाम हमने क्या बताया जे आई जी एल जे का मतलब क्या है बोले जे का मतलब है यहां पे जुर स्प्रूडेंस आई का मतलब क्या है बोले सर आई का मतलब है यहां पे इंटरप्रिटेशन और जी का मतलब यहां पे क्या है बोले जी का मतलब है यहां पे क्या जनरल बोल ठीक है इसमें से अगर मैं मान लीजिए सबसे पहले वाले टर्म के बारे में बात करूंगा जिसका नाम आपने क्या बताया सर हमने नाम बताया इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो सबसे पहला मतलब कोई को तो भी वर्ड जो है ना वो अपन ने पढ़ा था जिसमें आपने बताया था सुई का मतलब होता है इंसान और जूरिस का मतलब होता है लीगल ठीक है यानी कि यहां पे जूरिस का मतलब क्या जाएगा लीगल बोल दो लॉ बोल दो ठीक है और प्रूडेंस का मतलब क्या आ जाएगा सर प्रूडेंस का मतलब होगा नॉलेज <coughs> लॉ का नॉलेज the पॉइंट कानून कहां से आया कैसे यह कानून बना है उसके हिसाब से बोले कैसे इस कानून को इंटरप्रीट वगैरह किया जाना चाहिए उसके बारे में जिस बंदे के पास में नॉलेज रहेगा उसे क्या कहा जाएगा जोरस कहा जाएगा और कानून का नॉलेज होना कानून का नॉलेज हासिल करना इसे यहां पे जूरस प्रूडेंस का नाम जो है वो बोले यहां पे दे दिया जाएगा विल बी कॉल्ड एज व्हाट विल बी कॉल्ड एज प्रूडेंस पे बात करेंगे फिर इसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है कौन सा बोले सर इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है मतलब निकालना मतलब निकालना ठीक है या फिर समझना <coughs> क्या बोला जाएगा मतलब निकालना और या फिर समझना भैया एक बात बताओ क्या हमने सर बचपन में पढ़ा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन से वाला सर, 1872 वाला बोले भाई कौन सा अठारह सो बहत्तर अरे चचा एक बात बताओ जिन्होंने अठारह सो बहत्तर का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया होगा क्या वो आदमी अभी तक जिंदा है क्या बोले नहीं सर जिंदा तो नहीं है गए हो तो <coughs> <coughs> सॉरी uh, हां जी तो वो जिंदा होंगे क्या अभी तक <coughs> बोले नहीं वो तो गए अब बोले एक बार बताओ अगर बोले आज की डेट में किसी भी इंसान को उस लॉ का कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आया तो उसको इंटरप्रिट कैसे करेंगे उसको इंटरपीट जो है वो कैसे करने वाले हैं तो मेरे भाई उसको इंटरपीट करने के लिए उसको समझने के लिए आपको यहां अगर, का अगर, अगर करने का होगा तो उसके लिए हमें अलग अलग कानून जो है वो दिए गए हैं उनको अपने को समझना पड़ेगा उनके हिसाब से जो इंटरप्रिटेशन आपका रहेगा ना वो बोले अपने यहां पर करना पड़ेगा ठीक है और फिर इसके बाद में तीसरा जो पार्ट आपका आता है नाम क्या दिया गया जनरल वाला लॉ सर हमारे कंट्री के अंदर कोई भी कॉमन वाले काम के लिए जैसे बचपन में आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि कोई भी ऑफेंस जो आपका होता है ये दो टाइप का होता है एक आपका होता है जिसे कहा जाता है सिविल वाला ऑफेंस और एक आपका होता है जिसे कहा जाता है कौन से वाला? बुरे सा वाला बोले सा क्रिमिनल वाला ऑफेंस राइट सर इन जनरल वाले चीजों को डील करने के लिए कुछ जनरल लॉज जो है वो बोले हमारे कंट्री में बनाए गए हैं तो उन लॉज को अपने को क्या करना पड़ेगा समझना पड़ेगा पॉइंट अच्छा मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जैसे कंपनी लॉ में तीन पार्ट दिए गए थे पहला पचास मार्क का था दूसरा चालीस मार्क का था और तीसरा दस मार्क का था ऐसे ही इसमें भी तीन पार्ट दिए गए नहीं बेटा नहीं ये बहुत ध्यान से सुनिएगा ये जो पूरा पार्ट आपका है एक ही पार्ट यहां पे रहेगा जो कि कितने मार्क्स का होगा हंड्रेड मार्क्स का होगा यहां पर कोई बाइफिकेशन नहीं है यहां पर कोई डिविजन नहीं किया गया भाई साहब किसी टाइप का कोई डिविजन नहीं किया गया हाँ ये जरूर है कि आपको उसके हिसाब से चैप्टर्स दिए गए हैं लेकिन डिवीजन किसी भी टाइप का किया नहीं गया सर कितने चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे कुल मिला के सत्रह हैं जो कि आपको यहां पे पढ़ने रहेंगे कितने हैं सत्रह चैप्टर्स हैं या फिर ऐसा लगा लीजिएगा कि आपको ये वाले में सत्रह लॉज सत्रह कानून जो है ना वो आपको यहां पर पढ़ने लगभग सत्रह कानून के आसपास आपको पढ़ने पड़ेंगे ये समझ में अच्छी बात यहां पर यह है यहां पे जो आपके क्वेश्चन आएंगे ना ये आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहेंगे मतलब मतलब ये कि अगर मैं कंपनी लॉ के बारे में बात करूं तो वहां पे ना आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी और आपको ये कहा जाएगा कि एक बार बताओ कि अगर ऐसे सिचुएशन रही तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे ये आपको वहां पे बताना पड़ेगा लेकिन अगर मैं यहां की बात करूं यहां पे सिचुएशन नहीं आएगा तो आपको खाली एक <coughs> टर्म जो होगा वो बता दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि उस टर्म को आप क्या कर दीजिए इलाबरेट जो है वो बोले आप सिंपली यहां पर दीजिए ये समझ में आया बोले ठीक है तो सब्जेक्ट का नाम क्या दिया गया इंटरप्रिटेशन एंड जनरल वाला लॉ ये बहुत ध्यान से भाई साहब इसमें जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कुल मिला के यहाँ पे कितने चैप्टर्स हैं सत्रह चैप्टर्स आपके हैं तो सबसे पहला जो चैप्टर आपका है नाम क्या दिया गया है सोर्स ऑफ लॉ मतलब कानून कहां से आया आज के डेट में आपने कहा कि हमारे कंट्री में तेरह सौ से भी ज्यादा कानून है मेरे भाई कितने कानून है तेरह सौ से भी ज्यादा आपके क्या है कानून है मेरे भाई गॉट द पॉइंट सर ये कानून आए कहां से सर अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है कुछ लोगों का ये कहना है कि आपने भगवत गीता के बारे में सुना है क्या कुरान के बारे में सुना है क्या बाइबल के बारे में सुना है क्या सर वहां पे जो आकाशवाणी करी गई थी ना या वहां पे जो बातें लिखी गई है ना बस उन्हीं बातों को आगे चल के क्या बना दिया गया कानून जो है वो बना दिया गया कुछ लोगों का बोलना ये सब बकवास से बोले देखो भाई साहब कैसा है कि कोई भी कंट्री में दो तरीके के लोग होते हैं एक होते हैं पॉलिटिकल सुपीरियर और दूसरे होते हैं पॉलिटिकल इंफीरियर मतलब मतलब जो सरकार चलाते हैं और जो सरकार के हिसाब से काम करते भाई साहब जो सरकार के हिसाब से क्या करते हैं काम करते है भाई साहब गॉट द पॉइंट तो भैया ये बहुत सुनिएगा अगर बोले मैं बात करूं कानून के बारे में तो ये ऐसा लगा लो कि जो बोले पॉलिटिकल सुपीरियर वाले लोगों ने किसके ऊपर लगाया है प्रजा के ऊपर लगाया है पब्लिक के ऊपर लगाया है उसे यहां पे क्या कहा जाएगा उसे बोले यहां पे लॉ कहा जाएगा राइट तो अलग अलग मानने वाले अलग अलग लोग जो हैं वो बोले यहां पे आपके हो सकते हैं इस बात को ध्यान में रखिएगा तो यहाँ पे चैप्टर आपका होगा नाम क्या है सोर्स ऑफ लॉ थोड़ा सा बोरिंग वाला चैप्टर होता है इसीलिए इस चैप्टर को अपन क्या करेंगे सबसे लास्ट में जाके कवर जो है वो करने वाले हैं ठीक है ठीके? लेकिन अगला चैप्टर मेरे भाई ध्यान है आपको अरे सर <clears throat> मतलब ऐसा लगा लो कि ये तो ना हमने सी एस डब्ल्यू टी में ऐसे कुंडी में घोटा था आर्टिकल्स के साथ में हैं और वो पूरा का पूरा गटक गए थे सर रट चुका है बोले भाई साहेब <coughs> नींद में भी अगर बोले कोई उठा के हमको पूछेगा कि बताओ बताओ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप बता दो तो सर बोले एक 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 बात जो रहेगी ना वो बोले यहां पे अपन क्या कर सकते हैं बता सकते हैं ऑल दो तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि काफी सारी ऐसी बातें जो कि अपने सीएसब्ल्यू में नहीं पड़ी थी उन बातों को अपन यहां पे यानी कि सी एस एक्सडी में जाके क्या करने वाले हैं स्टडी करने वाले हैं राइट डन तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या कंटेंट आएगा ये आपको पहले से अच्छे से पता है

कुछ लीगल टर्मिनोलॉजी वगैरह जो है उसके बारे में बताया गया है ठीक है सब बोले जो बेयर एक्ट आपका होता है उसको अगर पढ़ने का है तो कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में आपको बताया गया है ये सारा का सारा क्या करेंगे ये बोले अपने यहां पे अच्छे से देखेंगे समझेंगे ठीक है अगला पॉइंट सब बोले जनरल क्लॉजेज एक्ट अठारह अभी अभी मैंने आपको क्या कहा सर हमारे कंट्री में कुल मिला अगर मैं बात करूंगा तो तेरह से भी ज्यादा क्या है कानून है कितने भाई साहब तेरह सौ से भी ज्यादा की बात अगर मैं करूंगा तो तेरह सौ से भी ज्यादा क्या है मेरे भाई कानून है गॉट द पॉइंट अच्छा एक बात बताओ क्या सोच के देखो अगर कोई भी एक चीज के बारे में जैसे बोले सर एक बात बताओ कंपनी का मतलब क्या होता है वोट डू मीन बाय द कंपनी अगर कंपनी टर्म के बारे में कहां पे लिखा हुआ है तेरह सौ जगह पे लिखा हुआ है तो कहां कहा मैच करते बैठोगे यहां क्या लिखा है यहां क्या लिखा है यहां क्या लिखा है यहां क्या लिखा है या फिर अगर बोले नाम दिया गया होगा जैसे मान लो पर्सन सब बोले पर्सन का मतलब क्या होता है अगर इसको तेरह सो जगह पे आपको पढ़ना पड़ता तो बोले क्या करते मेरे भाई ये समझ में तो यहां पे क्या किया गया एक अलग कानून जो है वो बनाया गया जिसका नाम क्या है जनरल क्लॉजेज एक्ट इसमें क्या कर दिया जितने भी कॉमन डेफिनेशन है ना जो अलग अलग कानूनों में क्या होती है यूज होती है वो सारी की सारी डेफिनेशन में क्या कर दिया जाता है उसको डाल दिया जाता है एक ही जगह पे डाल दिया गया ठीक है और फिर इसके बाद में जो बातें हमने चैप्टर नंबर थ्री में पढ़ी है ना वो कुछ बातें जो है वो आपको चैप्टर नंबर फोर में भी दी गई हैं यानी कि इंटरप्रिटेशन के रूल वगैरह के बारे में भी आपको यहां पे बताया गया है तो ये अपने को यहां पे इस चैप्टर में में पढ़ना पड़ेगा फिर इसके बाद पांचवा पॉइंट आता है क्या बोले एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सो बोले विद ग्रेट पावर्स कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये आपको बहुत अच्छे से पता है हमने सी एसडब्ल्यूडी में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे कंट्री में तीन बॉडीज होती कौन सी कौन सी पहली जो लॉ बनाने का काम करती है लेजिस्लेटिव दूसरी जो कि बनाए हुए लॉ को इंप्लीमेंट करवाने का काम करती है मतलब कि कौन सा एग्जीक्यूटिव वाली बॉडी और तीसरी जुडिशियल वाली बॉडी सर जो कि आपके लॉ के हिसाब से आपको न्याय दिलवाने का जस्टिस दिलवाने का काम जो है वो करती है राइट बोले हाँ सर लेकिन एक बात बताओ अगर मैं बात करता हूं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के बारे में यानी कि एग्जीक्यूटिव वाली बॉडी के बारे में सर एक बात बताओ अगर इसके पास में लॉ को इंप्लीमेंट करवाने का पावर है अगर इसके पास में लॉ को इंप्लीमेंट करवाने का पावर है तो इस बात की क्या गारंटी वो सही तरीके से उसको इंप्लीमेंट करवाएगा इस बात की क्या गारंटी है कि वो अपने पावर का मिसयूज नहीं करेगा बोले बिल्कुल कर सकता है सर तो अगर बोले वो मिस यूज करते हुए पाया जा रहा है तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा सर यहां पे बोले एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो बनाया गया है इस लॉ के हिसाब से उसके काम को उसके पावर को गवर्न किया जाएगा और उसको कभी भी उसकी अथॉरिटी से एक्सीड करने नहीं दिया जाएगा पॉइंट भाई साहब ये समझ में आया गॉट द पॉइंट बोले ठीक है सर अगला पॉइंट सर वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर बोले कौन सा लॉ ऑफ टॉट सर बोले टॉट का मतलब क्या होता है ये आपको अच्छे से पता है कि सिविल रॉन्ग जो आपका होता है उसे यहां पे क्या कहा जाएगा टॉट का नाम जो है वो यहां पे दे दिया जाएगा ठीक है सर जो टॉट करने वाला बंदा होता है वो टॉट फिजर जो होगा वो बोले यहां पर कहलाएगा सर इसके बारे में यहां पे बहुत सारी बातें जो है वो आप पढ़ चुके हैं लेकिन बहुत सारी ऐसी भी बातें हैं जिनके बारे में आपने स्टडी नहीं किया अगर जे जी के अंदर किसी चैप्टर में आपको केस स्टडीज के बारे में आ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला चैप्टर आपका रहेगा कौन सा लॉ ऑफ टॉट वाला अंडरस्टूड द पॉइंट यहां पे मेहता वाला जो केस होगा वो आपका आ सकता है इसके अलावा जो आपका कौन से वाला ये रेलेंड वर्सेस फ्लेचर वाला जो केस है वो आपका यहाँ पे पूछा जा सकता है फिर इसके बाद में जो आपका कौन सा वो आ, स्नेल इन द बॉटल वाला जो केस आपका था डोगने कुत्त तो ऐसा नाम था उसका राइट तो वो वाला जो केस आपका रहेगा वो भी यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है ये ध्यान में रखिएगा अगला पॉइंट आता भाई साहब कौन सा लिमिटेशन एक्ट सर याद कीजिएगा सी में अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जब आप बात कर उसी टाइम की बात है क्या पढ़ा था पने? हमने पढ़ा था कि अभिजीत जायसवाल सर के पैसे 2014 में प्रवीण सर ने दस हजार रुपए लिए थे ठीक है वो पैसा प्रवीण सर ने आज तक पे नहीं किया 2014 से कितने साल हो चुके हैं 2022 आ चुका है क्या अब अभिजीत सर वो पैसा वापस मांगने की बात कर सकते हैं क्या आपने जवाब दिया था नहीं सर तीन साल के बाद में वो पैसा अभिजीत जायसवाल सर मुझसे वापस मांगने की बात नहीं कर पाएंगे या उनको वापस मांगने के लिए वो कोर्ट में जाने की बात जो है वो कभी भी नहीं कर पाएंगे सवाल ही पैदा नहीं होता है मेरे भाई याद है अपन ने ऐसा बोला था बोले हां सर सर ये किसने मना किया ये वाले एक्ट ने मना किया क्या है नाम एक्ट का सर लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट आपको यह मना किया गया है कि इस टाइम के बाद में यानी कि इतने साल के बाद में आप सामने वाले पे केस करने की बात जो है वो नहीं कर सकते गॉट द पॉइंट अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा क्या ये सब्जेक्ट में ना जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं वो डायरेक्ट वाले रहेंगे लेकिन सर ये जो क्वेश्चन आपके रहेंगे ना वो लेटिन मैगजीम्स पे भी रह सकते हैं याद है चैप्टर नंबर फाइव लीगल रीजनिंग राइट उसके ऊपर रह सकते हैं जैसे कि सर बोले विजिलेंटी विजिलेंटी बस, विजिल बस, वेंटी कुछ तो भी ऐसा ऐसा बोला जाएगा डैमनम्स ने इंजूरिया फिर रेस जुडी काटा रेस सब जुडाइस रेस जेस्टी ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो है वो यहां पे किया जाएगा सर ये क्या होते हैं इसके बारे में अपन करेंगे बात डोंट वरी एट ऑल हाँ तुम पहले एक काम करो ये टाइम पास वाला काम कर लो हीवा के हैं हद है, मतलब हद छाया छाया प्रजापति के नाम पे कोई तो भी उसका भाई है कि कौन है पता नहीं फलक बेटा रुक जाओ शांति रखो करेंगे सब चीजों के बारे में बात पहले जो क्लास में पढ़ रहे हैं उसके बारे में तो बात कर लेते ना हर चीज के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा हर चीज के बारे में आपको बता दिया जाएगा एक मिनट रुकिएगा। चलिए सर सुबह सुबह रोस्ट कर दो दिन अच्छा जाएगा बस तुमको यही चाहिए जिंदगी में <laughs> सर सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करें उसके ऊपर एक वीडियो पोस्ट कर दीजिए प्लीज थोड़ी दिक्कत आ रही है निखिल शर्मा थोड़ा सा शांति रखेंगे मेरे भाई आपको जो एक्टिवेशन वगैरह रहेगा ना वो पूरा एक्टिवेशन आपको करवा के दिया जाएगा यू डोंट हैव टू बी वरीड और फॉर एनी सारी की सारी चीजें जो ना वो आपको करवा के दी जाएगी जब तक कि आपका एक्टिवेशन नहीं होगा ना तब तक कि आपकी जो क्लास है वो सॉफ्टवेयर पे स्टार्ट ही नहीं करेंगे समझ में आया डन चलिए तो लिमिटेशन एक्ट मेरे भाई ये समझ में आया अगर किसी भी टाइप का कोई केस है अलग अलग टाइप के तो आपको साल दिए गए हैं कहा गया है के पैसे को रिकवर करने की बात अगर आप कर रहे हो तो तीन साल का टाइम पीरियड आपको दिया गया इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करने की बात अगर आप कर रहे होंगे तो बीस साल का टाइम पीरियड जो है वो बोले आपको यहां पे दिया गया है तो कितने साल में आप केस फाइल कर सकते हैं उसके बारे में आपको यहां पे बताया गया अंडरस्टूड द पॉइंट चलिए सर फिर उसके बाद में अगला पॉइंट यहां पे आता है कौन सा सिविल प्रोसीजर कोड नाइनटीन जीरो एट सी पी सी सर अगर बोले आपका जो मैटर है वो कौन से वाला मैटर है सिविल वाला मैटर है याद है बेटा बचपन में मैंने आपको बताया था सी एस डब्ल्यू टी में जब आप हुआ करते थे पिछले जन्म की बात है याद है ठीक है तब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी सिविल वाला मैटर होता है जिसमें कि आपने कोई क्राइम नहीं किया है लेकिन किसी दूसरे बंदे का आपकी वजह से नुकसान जो है वो जरूर हो गया वो जरूर हो गया तो ऐसे केस में इसे सिविल मैटर कहा जाएगा और जो केस आपका होगा वो कहां पे जाने वाला है बोले सर सिविल कोर्ट में जाने वाला है पॉइंट सर ये केस कैसे फाइल करना होगा सर कौन बंदा फाइल कर सकता है कब फाइल करेगा किस तरीके से फाइल करेगा तो ये सारी चीजों के बारे में डिस्कशन जो आपका रहेगा वो अपन कहाँ पे करने वाले हैं सिविल प्रोसीजर कोड में करने वाले लेकिन अगर आप क्राइम के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए जो आपका लॉ रहेगा उसका नाम क्या है इंडियन पिनल कोड जो की है अठारह का सर कौन से कौन से टाइप के क्राइम होते हैं मर्डर करना अटेम्प्ट मर्डर करना सर बोले ये तो हमको पता है मूवीज में देखा हुआ है

तो अगर मान लो गन के साथ में वहां पे ये पकड़े गए तो क्या इसके लिए जेल हो सकती है क्या क्या इसको भी क्राइम मान के चला जाएगा क्या राइट right? तो ये सब इंटरेस्टिंग वाले जो टॉपिक आपके रहेंगे ना वो आपके यहां पर आने वाले हैं सर एफ है आर क्या होता है बेल क्या, क्या होता है अच्छा दूसरा अगर आपने मर्डर किया तो कितने साल की सजा हो सकती है अगर अटेम्प्ट टू मर्डर किया तो कितने साल की सजा हो सकती है ये सारी चीजों के बारे में डिस्कशन जो आपका होगा वो कहां पे करेंगे इंडियन पिनल कोड 1860 में अपन करने वाले फिर सर इंडियन पिनल कोड से ही जुड़ा हुआ एक और कानून आपका यहां पे आता है नाम क्या दिया गया सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये बहुत ध्यान से इंडियन पिनल कोड में आपको यहां पे ये यह बताया गया कि अगर आपने मर्डर किया तो जो केस आपका होगा वो कौन से कोर्ट में जाएगा और उस पढ़ले केस के अंदर सजा जो है वो मैक्सिमम आपको कितनी सुनाई जा सकती है अगर उस कोर्ट की बात करें तो अगर ज्यादा की सजा सुनानी है तो कौन से वाले कोर्ट के पास में केस जो है वो लेके जाया जाएगा उसके बारे में बात वहां पे की जाएगी Got the point? तो बड़ा ही मजा जो है वो यहां पे आपको आने वाला है इतने सारे एग्जाम्पल रियल लाइफ के जो एग्जाम्पल है वो आपको ये क्लास के अंदर मिलेंगे मूवीज के जो एग्जाम्पल है वो आपको ये क्लासेस के अंदर मिलेंगे कि आपको पढ़ के गजब तरीके का मजा जो है ना वो आपको यहां पे आने वाला है राइट फिर इसके बाद में मेरे भाई अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर इलेवन कौन सा है इंडियन एविडेंस एक्ट अठारह सौ बताओ कौन से कौन से चीजों को एविडेंस के तौर पे एक्सेप्ट किया जा सकता है सबूत के आधार पर एक मूवी आपने देखा होगा जॉली एलएलबी कौन सी वाली दूसरे वाली अक्षय कुमार सडनली किसी बंदे को लेकर आता है कि सर मेरे पास में एक चश्मदीद गवाह है जो इस बात को प्रूफ प्रूव कर सकता है कि वो बंदा वहां पर था ही नहीं राइट तो माथुर जी कहते हैं सर एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड ये क्या तरीका हुआ ऐसे कैसे आप किसी भी बंदे को आउट ऑफ नोवेयर लेके आ सकते हैं और लाके ये कह सकते हैं कि ये गवाह है अगर कोई भी गवाह अगर आप कोर्ट के अंदर पेश करने की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको कम से कम 24 घंटे पहले नोटिस देना पड़ेगा जज को भी और अपोजिट पार्टी को भी या तो आपने कुछ बताया नहीं बोले भाई साहब ऐसे कैसे आप किसी भी गवाह को उठा के लेके आ गए ऐसे कैसे आप किसी भी गवाह को उठा के लेके आ गए मेरे भाई ये समझा तो ऐसा बोले यहां यहां पे 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 आपको बोला जाएगा जाएगा सवाल यहां पे आता है कि एविडेंसेस के तौर कौन कौन से कौन से चीजों को एक्सेप्ट किया जाएगा? क्या ओरल एविडेंसेस को वैलिड माना जाएगा क्या रिटर्न एविडेंसेस को वैलिड माना जाएगा अगर बोले ऐसे ही कोई नॉर्मल कही सुनी बातें हैं तो क्या उनको एविडेंस मान के चला जाएगा क्या सर कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में नॉर्मली मतलब शादी के टाइम पे या कभी भी ऐसी कोई बातें बातें होती हैं तो क्या उसको एविडेंस मान के चला जाएगा क्या सर जो बोले आपका मुजरिम है ना उसने अपने एडवोकेट को जाके सारी बातें बता दी कि उसने क्या कांड किया है क्या नहीं किया सब कुछ जाके उसने बता दिया तो क्या इस बात को एविडेंस मान के चला जाएगा क्या आंसर क्या आता है नहीं सर नहीं मान के चला जाएगा या फिर जो कुछ भी होगा इसके बारे में अपन क्या करने वाले हैं यहां पे पढ़ने वाले हैं कि एविडेंसेस आपके कौन से कौन से टाइप के होते हैं और कौन से कौन से टाइप के एविडेंसेस जो हैं वो आपके एडमिट किए जाएंगे या फिर नहीं किए जाएंगे विश्वादीपक विष्णु सर लाइव क्लास होने के बाद ये क्लास यूट्यूब पर रहेगा रहेगा ना क्योंकि आज संडे है साफ येस बेटर रहेगा चलिए ये समझा अगला पॉइंट सर चैप्टर नंबर बारह बहुत ही चिल्लर वाला बोगस वाला चैप्टर सबसे पहला आता है स्पेशल कोर्ट सर अलग अलग कानून के हिसाब से ये कहा गया है जैसे अगर मैं कंपनी जगह दो की बात करूंगा तो आपको ट्राइब्यूनल के बारे में पता है बोले हां सर कौन से कौन से होते हैं एक आपका होता है एनसीएलटी और एक आपका होता है एनसीएल नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ एपलेट वाला ट्राइब्यूनल राइट बोले हां सर सर, सर। बोले एक बार बताओ कई बार ऐसा हो सकता है कि जो केसेस है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गए अगर एनसीएलटी के सॉल्व करने के बारे में अपन उसका वेट करते रहेंगे ना तो शायद कभी सोल्यूशन हो ही नहीं पाएगा तो क्या किया जाए ऐसे केस में कंपनी लॉ के हिसाब से स्पेशल कोर्ट जो है उसको बोले यहां पे पर किया जा सकता है अगर एमसी डिपार्टमेंट जो है वो आपका चाहे तो लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा पार्लियामेंट से परमिशन जो है वो आपको लेनी पड़ेगी कंपनी जगत दो के हिसाब से आपको इसका अप्रूवल जो है वो बोले आपको लेना पड़ेगा अदरवाइज नहीं कर पाएंगे यह समझा निमिशा लव यू टू बेटा लव यू टू अंडरस्टूड द पॉइंट बोल ठीक है तो कौन से कौन से टाइप के स्पेशल कोर्ट हो सकते हैं उनका पावर क्या रहता है ट्राइब्यूनल कौन से कौन से टाइप के हो सकते हैं कंपनी जट के हिसाब से या बाकी एक्ट के हिसाब से उनका पावर क्या होता है उनमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सर उसमें कितने लोग रहेंगे कौन से टाइप के जजेस उसके अंदर रहेंगे ये सारी की सारी चीजें जो है वो आ जाएंगे अगला पॉइंट आता है भाई साहब चैप्टर नंबर तेरह आर्बिट्रेशन एंड द कॉन्सिलेशन एक्ट जो कि कब का है बोले नाइनटीन का है सो बोले नाइनटीन के आसपास की ही बात है कोर्ट के पास में बोले नॉर्मल कोई केस वगैरह जो है वो चल रहे थे लेकिन सनी पाजी ने वहां पे बताया कि अरे अगर बोले हम कोर्ट में जाते हैं तो हमें वहां पे क्या मिलता है तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख न्याय नहीं मिलता बोले भाई साहब न्याय को छोड़ के बाकी सब मिल जाएगा वहां पे गॉट द पॉइंट पता चलता है कि जब बोले किसी बंदे ने केस किया था अपने जवानी में केस किया था लेकिन जब तक बोले कोर्ट का जजमेंट आता है वो मर चुका होता है उसके जो बच्चे होते हैं ना वो भी बोले बुढ़ापे में आ चुके होते हैं सर राइट right? तो ऐसे केस में यहां पर आपको क्या किया गया अलग से एक कानून बना के दिया गया और यह कहा गया कि आप ना अपना केस सिविल कोर्ट में ले जाने की बजाय कहां लेके चले जाओ आर्बिट्रेशन के पास लेके चले जाओ सर ये आर्बिट्रेशन क्या होता है आर्बिट्रेशन जो है वो एक अलग टाइप का इंसान होता है ठीक है जो शायद अपनी जवानी में या तो कहीं का जज रहा होगा ठीक है या तो बोले कहीं का हो सकता है कि एडवोकेट रहा होगा राइट जिसको बोले उस फील्ड के बारे में क्या है नॉलेज है और जितने भी सिविल मैटर्स वगैरह आपके रहते हैं ना तो वो मैटर्स को बोले यहां पे क्या किया जा सकता है कोर्ट में ले जाने की बजाय आप चले जाओगे आर्बिट्रेटर के पास में और उसके पास में ले जाके सोल्यूशन जो है वो बोले आप यहां पर करवा सकते हैं कैसे करवाया जाएगा क्या होगा? क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में अपन क्या करेंगे चैप्टर नंबर थर्टीन में पढ़ेंगे फिर एक होता है जिसका नाम क्या है कॉन्सिलियन ऑफिसर ये कौन होता है ये बोले भाई साहब देखो मैं कोई डिसीजन तो पास नहीं करूंगा लेकिन हाँ इतना जरूर है कि दो लोग जो आपस में मुंह फुला के बैठे हैं आपस में बात करने को तैयार नहीं है मैं उन लोगों को आपस में यहां पे मिला दूंगा मैं उन लोगों को आपस में यहां पे बात करना जो है वो बोले मैं यहां पे उनका करवा दूंगा इतना कंफर्म है बोले भाई साहब ये समझा मतलब ये लगा लीजिएगा कि ये जो बंदा आपका रहेगा ना ये समझौता करवाने का जो काम है वो यहां पर करता है कह का काम करेगा समझौता करवाने का जो काम है वो बोले यहां पे करेगा अंडरस्टूड द पॉइंट चलिए स्ट्रगलिंग टू लिव सर आई एम अ डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट सो आई डोंट नो अबाउट दी एस डब्ल्यू टी कोई बात नहीं बेटा ये बहुत ध्यान से सुनिएगा कि एग्जीक्यूटिव में जो हम काम करने वाले हैं जो हम पढ़ाई करने वाले हैं वो जीरो से करने वाले हैं भले ही आपने सी एस डब्ल्यू टी में किया होगा और या फिर नहीं किया होगा उसके बावजूद हम पूरा जो यहां पे कंटेंट पढ़ने वाले हैं ना वो जीरो से पढ़ने वाले हैं यानी कि सारी की सारी बातें जो आपकी रहेंगी वो बेसिक्स अपन क्या करेंगे यहां पे स्टार्ट करेंगे ताकि सारी बातें आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए अंडरस्टूड द पॉइंट चलिए सर छाया प्रजापति नहीं कर सकते ऐसा कोर्ट में जाकर बिहेव एकदम सही बोला बेटा पूजा नायक सर मुझे कंफर्मेशन नहीं आया आ जाएगा थोड़ा सा वेट कीजिएगा आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा ठीक है सर बुक कहां से मिलेगा आपके घर पे आ जाएगा अगर आपने अप्लाई किया होगा तो ओके okay, भाई साहब, पॉइंट इट अगला पॉइंट यहां पे आता है नाम क्या दिया गया इंडियन स्टैंप एक्ट जो कि कब का है अठारह का है इंडियन स्टैंप एक्ट ये बहुत ध्यान से भाई साहब सरकार का यह कहना है कि अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को कोई एक बंदा जो है किसी दूसरे बंदे को क्या कर रहा है बेच रहा है तो ये जो बंदा है जिसे यहां पे आपने नाम क्या दिया बायर का नाम दिया इस बंदे से कहा गया कि तुमने यहां पे ये परचेज करवाया है चीज को परचेज किया है तो तुमको यहां पे क्या करना होगा सरकार को जाके स्टैंप ड्यूटी जो है ये बोले आपको पे करनी पड़ेगी सर क्यों ऐसा सर सीधी सीधी बात है कि सरकार जो है अगर यहां पर बात करेंगे तो पूरी की पूरी जो ये कंट्री है ये किसकी है सर ये सरकार की है सर पब्लिक की है और आप यहां पे क्या कर रहे हो इसमें एक अधिकार जो है वो अपने पास में परचेज कर रहे हो बोले हाँ तो ऐसे केस में आप यहां पे स्टैंप ड्यूटी पे करोगे ताकि सरकार के पास में रेवेन्यू जो है वो यहां पे क्या हो सके जनरेट हो सके सरकार के पास में रेवेन्यू जो है वो क्या उसके जनरेट हो सके तो ये आपको यहां पे क्या करना होता है पे करना पड़ता है सर डिपेंड करता है अगर आपने प्रॉपर्टी को बेचा होगा तो यहां पे अलग परसेंटेज रहेगा अगर आपने प्रॉपर्टी को गिरवी रखा होगा यानी कि, कि मॉर्गेज अगर आपने किया होगा तो इसका जो परसेंटेज है वो आपको अलग मिलेगा अगर प्रॉपर्टी को आपने लीज पे दिया होगा तो ऐसे केस में जो परसेंटेज आपका है वो क्या रहेगा आपका अलग रहेगा द पॉइंट तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग जो स्टैंप ड्यूटी का रेट है वो यहां पर आपको दिया हुआ है अंडरस्टूड द पॉइंट इसके बारे में अपन यहां पे बात करेंगे कि कौन से टाइप के ट्रांजेक्शन पे आपको कितनी स्टैंप ड्यूटी पे करनी होगी और ये स्टैंप ड्यूटी पे करने के लिए टाइम पीरियड जो है वो आपको कितना दिया गया है कौन से कौन से टाइप की स्टैंप ड्यूटी होती है उसके बारे में भी डिस्कशन जो है वो अपने हाँ right? यहां पे इस चैप्टर में करेंगे राइट चलिए अगला पॉइंट आता है चैप्टर नंबर फिफ्टीन कौन सा रजिस्ट्रेशन एक्ट जो कि कब का है उन्नीस का सर जब बोले आप यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी पे करोगे ना इसी के साथ में आपको क्या करवाना होगा रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा यानी कि स्टैंप ड्यूटी का जो फीस होगा वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन का जो फीस रहेगा जो नॉर्मली होता है वन परसेंट ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन वन परसेंट ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन और रुपीज थर्टी थाउजेंड विच एवर इज लोअर इनमें से जो भी कम रहेगा वो अंडरस्टूड द पॉइंट भाई साहब चलिए प्रसाद गोखले का बोलना है कि सर कुछ रिव्यूज आपके खिलाफ बहुत कुछ गलत और खराब लिखा हुआ है करते हैं लोग क्या करेंगे इलाज क्या है, है? और उल्टा मैं तो ये कहूंगा कि ये तो बहुत अच्छी वाली बात है कि अगर ऐसा लोग करते हैं तो समझ जाइएगा कि भैया हम जिंदगी में क्या कर रहे हैं तरक्की कर रहे हैं ये बहुत ध्यान से भाई साहब हर बार ऐसा होता है कि जब भी एडमिशन की बारी आती है ना तो एडमिशन का टाइम आते ही सबसे पहले अटैक जो है ना वो सी कट इंडिया पे किया जाता है कि सर आप बोले ढंग से पढ़ाते नहीं हो आप ये नहीं करते आप वो नहीं करते आप पुराने लेक्चर देते हो आप ये करते हो आप वो करते हो भैया हम तो क्या करते कुछ भी करते हैं हम कुछ भी करते हैं ऑल इंडिया रैंक आ रहे हैं ना बच्चे पास हो रहे हैं ना सिंपल सिंपल सी बात है ठीक है सी एस एग्जीक्यूटिव में अगर मैं पिछले कितने भी साल उठा के आप देख लो जब से सी एस इंडिया ने काम करना स्टार्ट किया है ऑल इंडिया रैंक आ रहे हैं ना बच्चे पास हो रहे हैं ना बच्चे सब्जेक्ट में एग्जामिशन लेके आ रहे हैं ना भैया हम तो खाली बैठा के बच्चों से जाप करवाते क्या करना भैया बताओ पास होने से मतलब है बच्चे पास हो रहे बच्चे पढ़ाई कर रहे हो गई बात खत्म हैज दैट सौ बातों की एक ही बात सौ बातों की एक ही बात राइट भैया सिंपल सिंपल सी बात है कि लोग जो है वो ऐसे ही भोंगते रहेंगे सिर्फ एक ही चीज जो है ना वो जवाब देता रहेगा नाम क्या है रिजल्ट और हमारी मेहनत भैया अगर मैं बात करूंगा ऐसा एक भी दिन नहीं जाता है जब सी एस कार यूट्यूब मेहनत नहीं कर रहा होता सीएस एग्जिट वालों के लिए और सीएस डब्ल्यू टी वालों के लिए सत्रह सत्रह अठारह अठारह घंटे की मैराथन क्लासेज होती हैं जो लगातार चल रही होती हैं हम तो भी एक टांग पे खड़े रहते पॉइंट so और फिर उसके बाद में बहुत सिंपल सी बात है कि हाथी चले मदमस्त और कुत्ते भौके हजार भौंकते रहो हमें क्या करना भैया का ही फर्क पड़ता है इस बात से अंडरस्टूड पॉइंट और ये तो अच्छा है बहुत ही अच्छा है जब लोग बोलेंगे ना कि ये ऐसा है वैसा है फलाना ढिमका है, है समझ जाइएगा कि भैया जलन जो है ना वो खतरनाक तरीके से हो रही है तो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम का है कहना राइट चल लेकिन हाँ एट द सेम टाइम हमने क्या कहा वी हैव टू बी पॉजिटिव और भैया हमेशा की तरह वापस से मैं आप लोगों को यहां पे वापस से वादा कर रहा हूं कि आपके एग्जाम के लास्ट वाले डेट तक अगर मैं बात करूंगा चाहे किसी भी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सी एस कार्ड इंडिया की जो टीम है ना वो आपके साथ में आपको खड़ी मिलेगी वी आर विथ यू एट लास्ट मोमेंट हाँ कुछ ऐसे भी बच्चे आते हैं जो ये कहते हैं नहीं सर आप तो नहीं थे बोले हमारे साथ में मैं का मतलब कैसा नहीं था सर बोले मैंने ना आपको कॉल किया था तो आपने फोन नहीं उठाया तो एक सेकेंड क्या आपने उसके बारे में मैसेज किया था बोले हाँ आपने किया, आ, मैंने मैसेज किया था हाँ फोन पे बात नहीं किया हाथ कि तो हाँ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा ऐसी जो एक्सपेक्टेशन है ना वो आप अपनी गर्लफ्रेंड से और बॉयफ्रेंड से रखिएगा फैकल्टीज से मत रखिएगा क्यों ऐसा अरे बात बताओ अगर सुबह दस बजे से लेके रात को आठ बजे तक नौ बजे तक दस बजे तक अगर क्लासेस चल रही होंगी भैया फोन कैसे उठाएगा बंदा पॉसिबल ही नहीं है अगर आपको कोई चीज़ को लेके डाउट है अगर आपको कोई चीज़ को लेके प्रॉब्लम है आप आपको व्हाट्सएप का जो फोन नंबर है वो दिया हुआ रहता है आप उस पर अपना डाउट डाल दो अगर वो डाउट का सॉल्यूशन मैसेज में सॉल्व नहीं किया जा सकता है तो आपको व्हाट्सएप पे खुद फैकल्टी कॉल करेगी ना हम फोन करके आपको समझाएंगे भैया इसका जो सोल्यूशन रहेगा वो ये वाला रहेगा करके नहीं सर आपने तो सर मेरे से फ़ोन पे बात नहीं करी सर मेरे को बुरा लग गया सर सॉरी भैया क्या बोले और और तो बताओ अब कल को जाकर फिर कोई ये, ये भी कह देगा अरे भैया प्रवीण सर आपने तो बोले क्या कहा था कि हम आखिरी मोमेंट तक आपके साथ रहेंगे तो मेरा पेपर को ना दे के बैया बोले भैया आप कोई बोलने वाला ऐसा भी बोल सकता है क्या करेंगे कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई ठीक है चलिए सर दोनों ग्रुप जून में देना हो तो पर डे कितना आर पढ़ाई करना होगा जितना बेटा क्लास में करवाया जाएगा उसके अलावा दो से तीन घंटा और नथिंग एल्स <coughs> अमन अग्रवाल सर सॉफ्ट कॉपी नोट से कब मिलेगा आपकी क्लास स्टार्ट होने के पहले आपको मिल जाएगा ओके <coughs> okay. ठीक है तो ऐसी है बात मेरे भाई ये समझा जलन हो रही है मतलब कि तरक्की हो रही है एकदम सही बोला एकदम सही बोला मेरे भाई आपने सर रजिस्टर करने के बाद में बुक कैसे ऑर्डर करें कहाँ की आईसी आई की कुछ नहीं करना पड़ेगा अपने आप आ जाएगी बुक आपके घर पर सर आपको कॉन्टेक्ट कैसे करें बेटा आपको ना आपकी ईमेल आईडी पे मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको शेयर किया जाएगा वहां पे तो वहीं पे आप क्या कर लोगे मुझसे कांटेक्ट कर लोगे ओके मयूख बेटा इग्नोर करो प्लीज चोरों के बारे में यहां पे डिस्कशन मत करो हाँ जी भाई okay. so फिर आता है कौन सा सोलह नंबर का सर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो कि कब का है ये है बोले आपका 2005 का राइट टू इंफॉर्मेशन वाला एक्ट ये क्या कहता है मेरे भाई बोले सर देखिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पढ़ा है कि जो देश है ना ये हमारा द कंट्री एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल राइट बोले हाँ तो ऐसे केस में जो सरकार चूज करी गई वो किसने चूज करी बोले हमने चूज करी किसके लिए हमारे लिए तो क्या हमारा सरकार क्या काम कर रही है क्या नहीं कर रही है ये जानने का अधिकार नहीं बनता है क्या बोले बिल्कुल बनता है साहब क्यों नहीं बनेगा तो बोले ऐसे केस में हमारे पास में इस बात का अधिकार है कि हम किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है

तो आपको बोले यहां पे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और इसके अलावा असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है उसको बोले हर एक डिपार्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर अपॉइंट करने की बात जो है वो यहां पे की गई अपार्ट फ्रॉम दैट इस कानून के हिसाब से कमिश्नर्स का ऑफिस जो है वो भी इस्टेब्लिश करने की बात की गई है एक तो बोले सेंट्रल लेवल पे इंफॉर्मेशन कमिश्नर और दूसरा स्टेट लेवल पे इंफॉर्मेशन कमिश्नर ये दोनों जो हैं वो बोले यहां पे आपके स्टेब्लिश करने की बातें करी गई पॉइंट इनका काम क्या होगा इनका टेन्योर मतलब कितने साल के लिए काम करेंगे वगैरह वगैरह के बारे में डिस्कशन जो है वो अपन यहाँ पे करने वाले अगला आता है आपका चैप्टर नंबर कौन सा सत्रह वाला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो कि कब का है दो हजार का कौन सा इंफॉर्मेशन टेक्नो आई टी एक्ट सो ऑब्वियसली बात है कि आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो हमारे कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में डिजिटलाइजेशन जो है ना वो बहुत ही खतरनाक तरीके से क्या हो रहा है बढ़ रहा है राइट right? तो ऐसे केस में सर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स सर इनका जो बोलवा है ये बहुत ज्यादा हो चुका है तो कैसे आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको वैलिड मान के चला जाएगा अगर बोले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना होगा तो कैसे बोले उसको साइन किया जा सकता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कौन सी चिड़िया का नाम है क्या होता है सर इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट का मतलब जो है वो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का मतलब क्या होता है ये सारी चीजों के बारे में डिस्कशन जो है वो अपन करेंगे कौन से वाले चैप्टर में चैप्टर नंबर सेवेंटीन में जिसका नाम क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो कि कब का है 2000 का राइट right? सर इसी के साथ में अगर मान लीजिए मैं यहां पे आपको क्वेश्चन पेपर दिखाने की बात करूं तो ये बहुत ध्यान से आईसीएसआई क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है papers, आप ऐसा अगर गूगल पे सर्च करोगे ना तो आपको जो सबसे पहला लिंक यहां पर दिखाई दे रहा है आप इस लिंक पे क्या करोगे क्लिक करोगे आपको यहां पे दिखाई देगा ईयर 2022 का 2021 का 20 का 19 का 18 का 17 का 16 का 15 का 14 का 13 का 12 का 11 का 10 का और 2009 का मतलब उतने पुराने पुराने लेवल का जो पेपर आपका होगा ना वो भी आपको यहां पे प्रोवाइड किया गया है द पॉइंट तो अपन क्या कर सकते हैं यहां पे? सब बोले 2022 की बात कीजिए 2022 में जो जून वाला महीना आपका ये दिख रहा है यहां पे जून ठीक है इसमें बोले एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल वन न्यू सिलेबस अभी आपका जो सिलेबस है वो कौन से वाला होगा नया वाला सिलेबस होगा इसमें देखिए आपको यहां पे पेपर दिए हुए जी आई का दिया हुआ है कंपनी लॉ का दिया हुआ है सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस एंटिटी एंड इट्स क्लोजर का दिया हुआ है हर एक सब्जेक्ट का दिया हुआ है अगर मैं जाता हूं सबसे पहले वाले पे नाम क्या है जी तो ये देखेंगे भाई साहब यहां पे जो क्वेश्चन आपको यहां पे पूछे जाते हैं आप अगर यहां पे देखोगे प्रॉपर तरीके से देखिएगा सर तीन घंटे का आपका पेपर रहेगा कुल मिला के छे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे छे मतलब सब क्वेश्चन भी यहां पे रहेंगे जैसे सब क्वेश्चन यहाँ पे एक ये वाला है फिर उसके बाद में दूसरा तीसरा चौथा ठीक है लेकिन वैसे देखोगे तो छे क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना जरूरी है यहाँ पे ऐसा भी लिख दिया लेकिन आगे चल के आपको ऑप्शन दिया हुआ है ठीक है कुल मिला के सौ मार्क का पेपर जो है वो बोले आपका यहाँ पे रहेगा कितने मार्क का पेपर होगा सौ मार्क का पेपर होगा अगर यहाँ पे आप देखोगे पहला जो क्वेश्चन है ये आपका रहेगा ट्वेंटी मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन है ये आप रहेगा कितने मार्क्स मार्क्स का 20 का और बाकी जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपके सोलह 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 मार्क्स के पांच क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाएंगे और बीस मार्क का एक क्वेश्चन जो है वो आपको यहां पे पूछा जाएगा अगर यहां पे आप देखोगे तो देखिए पूरा स्ट्रेट क्वेश्चन जो है ना वो आपको यहां पे पूछा गया एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ठीक है सर दूसरे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा कि या तो बोले आप ये वाला को जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लो और या तो फिर टू ए वाला जो क्वेश्चन आपका रहेगा ना यह पूरा का पूरा आप इसको सॉल्व कर लो दोनों में से कोई एक सॉल्व करोगे तो चलेगा यह भी आपका सोलह मार्क का है और यह भी आपका सोलह मार्क का वॉट द पॉइंट फिर इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन वापस से सोलह मार्क का सीधा सीधा क्वेश्चन है कोई केस लॉ नहीं दिया हुआ है चौथा वाला क्वेश्चन सर यह भी आपका सोलह मार्क का फिर पांचवा वाला क्वेश्चन सर ये भी आपका सोलह मार्क का लेकिन यहां पे या तो अगर चाहो तो छठा क्वेश्चन सॉल्व कर लो और या तो अगर चाहो तो सिक्स ए वाला जो क्वेश्चन आपका रहेगा ना वो बोले आप यहां पे सॉल्व कर लो छठा क्वेश्चन जो है ये भी आपका सोलह मार्क का और सिक्स ए वाला जो क्वेश्चन आपका है ये भी आपका कितना सोलह मार्क का ये समझा लेकिन हर एक जगह पे अगर आप देखोगे तो आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है ये कौन से वाला दिया गया भाई साहब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है ना वो बोले आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया ये समझ में आए मेरे भाई अंडरस्टूड द पॉइंट बोल ठीक है सर तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे सो क्या हमको इनके आंसर्स नहीं मिल सकते हैं क्या वो भी मिल पाएंगे मेरे भाई ध्यान से देखिएगा आपको क्या करना है वापस से गूगल पे जाना है यहाँ पे आपको डालना है आई सी एस आई गाइडलाइन जी यू आई डी ई एल आई एन ई गाइडलाइन आंसर्स अगर आप ये टाइप करोगे ना सबसे पहला जो लिंक आपको यहां पे आ रहा है कौन सा है गाइडलाइन आंसर्स आईसीएस आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया आपको यहां पे दिखाई देगा जून 2022 के पेपर सारे ठीक है <coughs> जून 22 के दिसंबर 21 के पेपर जून 21 के पेपर दिसंबर 20 के पेपर ठीक है ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ में आपको यहां पे मिल जाएगा जैसे अगर मैं जून 22 के एग्जीक्यूटिव वाले पे जाता हूं मॉड्यूल नंबर वन जैसे मैंने क्लिक किया आपका पहला पूरा का पूरा ये देखिए कंपनी लॉ सेटिंग अप पूरा का पूरा पेपर जैसे आंसर वन बी उसका आंसर वन सी उसका आंसर वन डी उसका आंसर क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू ए उनके आंसर यहीं पे आपको क्या किए गए दिए गए बस इसमें फर्क ये रहेगा कि आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशन जो है वो आपको यहां पे प्रोवाइड नहीं किया गया है ये जो आपको सोल्यूशन दिए गए हैं वो पेपर के हिसाब से दिए गए तो क्या कर सकते हैं आप मेरे भाई आप सिंपल तरीके से सबसे पहले आपका जो सिलेबस रहेगा अपन वो कंप्लीट करेंगे और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाते हैं तो आप यहां से इन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे पिछले पांच साल के यानी कि दस पेपर अगर आपने सोल्व कर लिए तो आप ये लगा लीजिएगा कि आपका जो यहां पे प्रिपरेशन होगा वो अच्छे तरीके से स्ट्रांग हो चुका होगा द पॉइंट सर आज से राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दें करे तो कैसे नहीं करना आज से पढ़ाने तो दो पहले पढ़ तो लो उसके बाद करना ना सर बोले बोले इतने लॉन्ग आंसर बेटा ये सजेस्टेड आंसर है ये पूरे नहीं लिखने आपको ठीक है इनको आपको प्रॉपरली बना के लिखना रहेगा कैसे लिखेंगे वो मैं, मैं बता दूंगा आपको सर फ्री क्लासेस कब तक चलेगी बेटा तीस तारीख तक इसके बाद में ऐप पर ठीक है चलिए तरुण सिंघल सर मैंने डायरेक्ट पेमेंट छब्बीस हजार नौ सौ निन्यानवे कर दिया है बट बुक का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आया है सब आ जाएगा शांति रखो पेशेंस रखो पेशेंस चलिए सर महीना का कितना कमाते हो स्ट्रगलिंग टू लिव बेटा हो आपको ये पता होना चाहिए मेरे हिसाब से कि किसी भी लड़की को उसकी उम्र और किसी भी लड़के को उसकी सैलरी या कमाई जो है वो नहीं पूछनी चाहिए दिस अ वेरी बैड हैबिट सर घर वाले बोल रहे हैं कि 105 मार्क्स लाई सी एस कैसे पास हो गई <laughs> बोलना वो सी एस था एग्जीक्यूटिव जो है वो अभी पास होने का है सर आप एस बी सी और जेआईजल पढ़ाओगे ना बेटा कंपनी भी मैं ही पढ़ाऊंगा सर एडिंग स्पीड एंड हैंड राइटिंग इम्प्रूव करना होगा ना यस बेटा वो इम्प्रूव करना पड़ेगा सुमित शर्मा लव यू टू मेरे भाई सर ऐप का लिंक प्रोवाइड कर दीजिए प्लीज रुको बेटा शांति रखो सारी चीजें प्रोवाइड होंगी आपकी पेमेंट हो जाने के बाद में सर नोट्स पूरे मिलेंगे चैप्टर वाइज पूरे मिलेंगे सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको एक साथ प्रसाद लव यू टू बेटा चलिए सर एस बी सी कब चालू होगा फर्स्ट ऑफ दिसंबर से फर्स्ट ऑफ दिसंबर से आपकी जो क्लासेज है ना वो स्टार्ट हो जाएंगी सर लाइव क्लास और गुरुकुल रिकॉर्डेड क्लास में क्या डिफरेंस है लाइव ज़्यादा बेटर है क्या बेटा ऐसा कुछ नहीं है दोनों चीज़ें सेम है लाइव में क्या होगा कि सुबह दस बजे से क्लास स्टार्ट हुआ है ना तो आप दस बजे से क्लास को अटेंड कर पाओगे लेकिन गुरुकुल रिकॉर्डेड में क्या होगा कि जो क्लास आज हुआ था उसका जो रिकॉर्डेड रहेगा ना वो आप कल ले पाओगे बस इतना ही फर्क है बाकी कुछ नहीं सर आप जैसे सी एस डब्ल्यू में पढ़ाते थे चार्ट बना के वैसे पढ़ाओगे या अलग तरीके से पढ़ाओगे कॉम्बिनेशन रहेगा बेटा कभी मैं चार्ट बना के दूंगा कभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा पर जैसा भी पढ़ाऊंगा समझ में आएगा वैसा पढ़ाऊंगा ठीक है ओके भाई साहब चलिए सर तो फिलहाल अपन यहाँ पे रुकते हैं और फिर इसके बाद में मिलते हैं आपके अगले वाले डेमो क्लास में जो कि आपका रहेगा ईबीसीएल का और ईबीसीएल जो है वो आपको पढ़ाने वाले हैं आपके प्यारे अभिजीत जायसवाल सर ठीक एक बजे तो मिलते हैं दोपहर को एक बजे टिल देन टेक केयर बबाइज एंड लव यू ऑल लेकिन जाने के पहले वापस से मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको सीएस कार्ड इंडिया और प्रवीण सर के एफर्ट्स पसंद आते हैं तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपका प्यार जो है वो जरूर से बरसा दीजिएगा मिलते हैं अगले क्लास के अंदर टिल देन टेक केयर बबाइज एंड लव यू